ओके, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। क्या देखेंगे? फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज क्या होता है? फ्रूट शुगर बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? फ्रुक्टोज। इसका नाम फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला होता है, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है? पर दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है? फ्रूट शुगर। क्या होगा? फ्रूट शुगर, ठीक है, याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो मोस्टली हनी और स्वीट फ्रूट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो इट इज़ प्रेजेंट इन हनी एंड स्वीट फ्रूट। इट इज प्रेजेंट इन हनी एंड स्वीट फ्रूट। ये कहाँ पाया जाता है? तो मीठा जो फल होता है, ठीक है, उसमें और हनी में कौन सा शुगर होता है? तो फ्रुक्टोज ही होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज का, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर इसका याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH2OH CH2OH एक दो तीन चार पाँच और छः। कितना कॉमन है? एक दो तीन चार पाँच और छः। सेकेंड पे डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है, याद रहेगा, सेकेंड पे डबल बॉन्ड हो रहेगा। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 और 4 चार बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। इधर में क्या लगेगा? एच और OH। यहाँ पर क्या हो जाएगा? H, OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH और H। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, याद रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? OH और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? H। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH। अगर कार्बन की बात करें तो यहाँ कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स कार्बन। कितना कार्बन है? सिक्स कार्बन। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन है। अच्छा, आप देख लीजिए खुद से, अगर स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे 6H12O6 हो रहा है। देखिए, 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2, 12। ऑक्सीजन कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। देखिए, पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दूसरा देखे थे, यहाँ फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिफरेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यही क्या है? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है? एक दूसरे का आइसोमर है। क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज आइसोमर ऑफ इच अदर, ठीक है। ग्लूकोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है? एक दूसरे का क्या है? आइसोमर्स है, याद रहेगा, तो इसको याद करके रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट बात करें इसका स्ट्रेट चेन, फिर यहाँ पे वही बात है, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेट चेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इसमें ऑब्जेक्शन आया स्ट्रेट, मतलब इस चेन में क्या क्या ऑब्जेक्शन है, मतलब कि इसका है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे, अगर हम लिखेंगे स्ट्रेट चेन अगेंस्ट स्ट्रेट चेन अगेंस्ट, ठीक है, सॉरी, फ्रुक्टोज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेट चेन ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या है ना, ऑब्जेक्शन क्या क्या है स्ट्रेट चेन में, ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहला क्या है भाई? तो फ्रुक्टोज कंटेन क्या? कीटो ग्रुप। क्या करता है ये? कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में, फ्रुक्टोज कंटेन कीटोन ग्रुप इवन इट डज नॉट
रिएक्ट विथ NaHSO4। मतलब क्या है कि फ्रुक्टोज क्या करता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है पर तब भी क्या करता है, ये रिएक्ट नहीं करता है NaHSO4 के साथ में, मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। और ये क्या करता है, 2,4-DNP डेरिवेटिव नहीं बना पाता है। एंड इट डज नॉट फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव। एक्चुअली क्या है ना कि जितने भी है ना कीटोन ग्रुप होता है वो सब क्या करता है, NaHSO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है, पर ये ग्लूकोज के पास कीटोन ग्रुप होने के बावजूद भी रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए साइंटिस्ट लोग सोचे क्या चीज़ कि ये जरूर स्ट्रेट चेन के कारण ये नहीं कर पा रहा होगा, जरूर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगा, क्योंकि जो साइक्लिक होता है वो जरूर रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो लिख लीजिए फटाफट सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या है, फ्रुक्टोज भी क्या करता है, दो स्टेरियो आइसोमेरिक फॉर्म में रहता है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इट हैज ऑल्सो टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। ठीक है, क्या करता है, ये स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इट हैज ऑल्सो टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, कौन कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म होता है, तो अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड अल्फा बीटा डी फ्रुक्टोज। समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, अल्फा डी फ्रुक्टोज, दूसरा क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज। याद रहेगा, फटाफट इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर बात करें तो फ्रुक्टोज क्या करता है, म्यूटो रोटेशन शो करता है। क्या करता है फ्रुक्टोज, क्या करता है थर्ड पॉइंट में, फ्रुक्टोज शो म्यूटो रोटेशन। फ्रुक्टोज क्या करता है, म्यूटो रोटेशन शो करता है, मतलब म्यूचुअल रोटेशन। म्यूटो रोटेशन मतलब क्या होता है ना कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में रोटेट करता है। म्यूटो रोटेशन क्या होता है बता देते हैं। ठीक है, फटाफट इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, म्यूटो रोटेशन शो करता है, तो ये साइक्लिक चेन क्या कारण क्या करता है, अगर साइक्लिक चेन होगा तो जो साइक्लिक होगा वही इसको करेगा, मतलब पर इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट चेन ये नहीं होता है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है, म्यूटो रोटेशन देख लेते हैं, म्यूटो रोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो म्यूटो रोटेशन का डेफिनेशन देखेंगे। म्यूटो क्या है, म्यूटो रोटेशन, याद रहेगा म्यूटो रोटेशन क्या होता है। अगर म्यूटो रोटेशन की बात करें तो द चेंज इन ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या लिखेंगे, द चेंज इन ए स्पेसिफिक रोटेशन of any optically active compound is called muto rotation। क्या है, the change in a specific rotation, specific rotation में कुछ भी change होना, किस में, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटो रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, म्यूटो रोटेशन बोलते हैं। और जैसे अगर ग्लूकोज की बात करें, अगर एग्जांपल की बात करें तो ओपन चेन फॉर्म की अगर बात करें तो 0.02% है ना। देखिए, ओपन ग्लूकोज की अगर बात करें तो ओपन चेन फॉर्म मतलब स्ट्रेट चेन में रोटेशन कितना होता है, 0.02%। ठीक है, वही अगर हम लोग इसका दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर देखे थे, क्या देखे थे हम लोग, ठीक है, हम लोग देखे थे इसका दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज कितना होता है, 36%, कितना होगा, अल्फा
ग्लूकोज, पीछे में लिखा हुआ है अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, तो ये 36% रोटेट करता है। बीटा ग्लूकोज कितना रोटेट करता है, तो बीटा ग्लूकोज रोटेट करता है 64%। कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन फॉर्म है, यहाँ से क्या करता है अल्फा ग्लूकोज कितना 36%, ओपन चेन फॉर्म है, यहाँ से बीटा ग्लूकोज कितना तो 64% चेंज कर जाता है। इस बात को याद रखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए, इसलिए क्या है ये म्यूटो रोटेशन है, ठीक है, याद रहेगा। ओके,